मामला जिला हमीरपुर कुरारा थाना क्षेत्र के बचरौली गांव का है, जहां एक माह पहले गांव निवासी युवक इंद्र कुमार कानपुर नगर के ट्रक मालिक का ट्रक लेकर कानपुर से दिल्ली गया था, जहां वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। यहां एक महीने के ऊपर हो जाने के बाद भी जब युवक का कोई पता नहीं चला तो परिजनों समेत युवक की पत्नी व ट्रक मालिक से पूछताछ की तो ट्रक मालिक द्वारा गोलमाल जवाब दिए गए, जहां युवक के परिजनों समेत पत्नी ने ट्रक मालिक पर हत्या का आरोप लगाते हुए जूही थाना कानपुर में शिकायत की, जहां पीड़िता के द्वारा बताया गया कि शिकायत करने के दौरान जूही थाने की पुलिस ने गाली गलौज देकर थाने से भगा दिया। वहीं पुलिस द्वारा कार्यवाही ना होने से नाराज युवक के परिजनों ने कानपुर नगर के उच्च अधिकारियों से फरियाद की, लेकिन कोई भी कार्यवाही ट्रक मालिक पर ना होने के चलते पीड़ित परिजनों ने आज कानपुर देहात कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के जनता दरबार में पुखराया पहुंचकर पूरी घटना से अवगत कराते हुए कार्यवाही करने की बात करते हुए न्याय की गुहार लगाई, जहाँ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पीड़ित पत्नी समेत परिजनों को हर संभव न्याय दिलाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। बुंदेलखंड से यहाँ पे फरियादी आए हुए, क्या पूरा मामला? उनका कहना है कि उनके पति जो एक ट्रक ड्राइवर थे, उनका अपहरण कर लिया गया या हत्या कर दी गई, लेकिन ट्रक मालिक जो हैं लगातार उसमें हीलावाली करते रहे। यहाँ प्रशासन ने जब कोई फरियाद नहीं सुनी, यहाँ कैबिनेट मंत्री जनता दरबार के फरियाद में हमारे कैमरे के पीछे देख सकते हैं, ये बुंदेलखंड के लोग हैं जो यहाँ फरियाद लेकर आए थे, लेकिन इनका कहना है कि मंत्री जी से बात तो हुई लेकिन एक संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिल पाया। करीब एक महीने से लोग परेशान, क्या पूरा मामला इसको लेकर आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज की खास रिपोर्ट में कि पूरा मामला क्या है, इसकी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? गीता है? गीता। गीता, हाँ। कहाँ के रहने वाली हैं? बचरौली के। ये कहाँ पड़ता है? ये कुरारा के पास। कुरारा। तो आज यहाँ पर आप आई हैं जनता दरबार में, राकेश सचान जी के दरबार में, किस बात को लेके आई हैं? इंद्र कुमार ड्राइवर का नाम नहीं पता लगो चाहिए, मतलब पता लगो चाहिए। इंद्र कुमार कौन? हाँ। थे आपके पति? आपके पति थे? हाँ। क्या करते थे वो? ट्रक चलावत थे। ट्रक चलाते थे? हाँ। किसका ट्रक चलाते थे? एहसान मुल्ला का। एहसान मुल्ला कहाँ रहने वाले थे? कानपुर के। कब लापता हुए थे? 29 का। 29 जून को? हाँ, 29 जून का। पता चला नहीं चला? नहीं चलो का थे, पता नहीं हमें कहाँ मालिक है, हत्या कर दी ने अपने हाथों ले। हत्या कर दी? हाँ, हत्या कर दी। हत्या कर दी गई है? हम तो बात कर रहे थे। कब बात हुई थी? गाड़ी 29 तारीख का कह रहे थे लद रही है जी। हाँ, तो लदे नहीं पाई है, मोबाइल उनके लड़का इकराम ने छुटा ली ने जी। अपना बोलन थोड़ी देर में फिर हमने मिला उसी, अपना बोलन ला कि वो गाड़ी उनकी आगे जा रही हम पीछे हैं, चार्जिंग में लगो है। तो हमने कहा अब गाड़ी लदी नहीं, मोबाइल कैसे चार्जिंग में लगा है? आपने पुलिस की मदद, पुलिस के यहाँ गई? पुलिस के यहाँ गए, सब गाली दे के भगा दी। गाली दे के भगा? हाँ, उनने पैसा भर दी ना जो ही थाना में पैसा भर दी ना, हमका गाली दी ना कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगाएंगे, तुमको तुम्हारी कुड़की हो जाएगी, ऐसे हमका गाली दे के भगा। देख सकते हैं ये खासकर योगी सरकार की खास तस्वीर, जहाँ पर पीड़ित महिला ने जब कानपुर जूही थाने में जब फरियाद लगाई अपने पति के अपहरण या गायब हो जाने की, यहाँ पर बताया जा रहा कोतवाल साहब गाली देकर भगा दिया गया है। यहाँ पर जब शासन प्रशासन जब न्याय नहीं मिला, तो आज बुंदेलखंड से यहाँ पर कानपुर देहात जनता दरबार कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के जनता दरबार में आई, ये लगातार नजारा देख सकते हैं। यहाँ पे और भी फरियादी हैं, लेकिन ये फरियादियों के बीच में ये खास रिपोर्ट इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर एक महीने पहले 29 जून को लापता हुए पति जो आज तक पता नहीं चल पाया है, अब पुलिस की मदद ली तो पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, वहीं उल्टा कार्रवाई की धमकी देने लगे। इसको लेकर और भी इनके साथ में देख सकते हैं करीब आधा दर्जन लोग यहाँ पे मौके मौजूद हैं, जिनके साथ आए उनसे बात करेंगे, और खासकर यहाँ पे प्रधान जी के नेतृत्व में आए हुए हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? अचल सिंह। किस गाँव के प्रधान है आप? बचरौली। ये कहाँ पड़ता है? कुरारा ब्लॉक। अरे क्या मामला है ये? मामला ये है की